गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, उन ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट होता है, कितनी उनकी डोजेज होती है, इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोफार्मेकोलॉजी इट इज़ द इंटीग्रेट पार्ट ऑफ फिजिकल थेरेपी। ये एक फिजिकल थेरेपी का पार्ट है साइकोफार्मेकोलॉजी। व्हाट इज फिजिकल थेरेपी इज ए अप्रोच दैट यूज फिजियोलॉजिकल और फिजिकल इंटरवेंशन टू इफेक्ट बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियर के अंदर चेंज लाने के लिए फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल इंटरवेंशन का किया जाना, दैट इज नोन एज फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी के अंदर भी साइकोफार्मेकोलॉजी स्टडी किया जाता है। व्हाट इज साइकोफार्मेकोलॉजी? सिंपली स्टडी ऑफ ड्रग्स दैट यूज इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। वो ड्रग्स जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर काम में ली जाती हैं, जिनकी स्टडी साइकोफार्मेकोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। साइकोफार्मेकोलॉजी का नॉलेज होना एक नर्स को बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, कंपलसरी है, क्योंकि जो भी मेडिसिन हैं, साइकेट्रिक जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, जो नर्स एडमिनिस्टर कर रही है पेशेंट को, उनके बारे में उसको पूरा नॉलेज है, अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए कि किस ड्रग की कौन सी डोजेज होती है, क्या उसका साइड इफेक्ट होता है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए और क्या उनका फॉलोअप होता है, ये सारा का सारा नॉलेज एक नर्स को होना चाहिए। तो इसीलिए अपने चैप्टर के अंदर ये साइकोफार्मेकोलॉजी के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। देन कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो साइकोफार्मेकोलॉजी पढ़ने से पहले अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सो आगे अपने चलकर इन चीज़ों इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अपने को फेस आउट नहीं करनी पड़े। तो ये वेरियस काइंड ऑफ टर्म्स हैं, लाइक एफिशिएंसी, पोटेंसी, हाफ लाइफ, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूरोट्रांसमीटर्स, रिसेप्टर्स। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स यूज इन फ्रिक्वेंटली इन साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा काम में ली जाती है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ साइकेट्रिक ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, एंटी पार्किंसन ड्रग लाइक एक्सेट्रा, मतलब और सारी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वो पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी मीन्स मैक्सिमल थेरापेटिक इफेक्ट दैट ए ड्रग कैन अचीव। मैक्सिमल थेरापेटिक इफेक्ट दैट ए ड्रग कैन अचीव। जो ड्रग का एक मैक्सिमम इफेक्ट होता है उस लेवल को अचीव करने के अंदर जो पार्ट लगता है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग। एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग का सिंपल सा अर्थ है ड्रग का हाईएस्ट मैक्सिमम लेवल के ऊपर इफेक्ट का शो होना ही एफिशिएंसी कहलाता है। देन नेक्स्ट पोटेंसी ऑफ द ड्रग्स। व्हाट इज पोटेंसी ऑफ द ड्रग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंसी मीन्स द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू अचीव दैट मैक्सिमम इफेक्ट। ड्रग का वो अमाउंट, ड्रग की वो डोज, ड्रग का वो अमाउंट जिसके अंदर वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है उसी को पोटेंसी बोलते हैं। व्हाट इज पोटेंसी? पोटेंसी मीन्स ए मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग इन ए डोज। जिस डोज के अंदर मैक्सिमम इफेक्ट ड्रग है जो शो करती है उसी को पोटेंसी बोलते हैं। इसी के अंदर फर्दर टू पार्ट होते हैं, लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी। इसी के अंदर लो पोटेंसी देन हाई पोटेंसी ड्रग्स कैटेगराइज होती है। अब जो लो पोटेंसी ड्रग्स हैं
पोटेंसी का मतलब सिंपल सा हो गया वो ड्रग की डोज जिसके अंदर जो ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट आता है उसी को पोटेंसी बोलते हैं। और पोटेंसी को फर्दर डिवाइड किया है लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी ड्रग्स। लो पोटेंसी जो ड्रग्स होती है इनमें हाई डोज की आवश्यकता होती है, हाई डोजेज की आवश्यकता होती है लो पोटेंसी ड्रग्स के अंदर। देन हाई पोटेंसी ड्रग्स के अंदर लो डोजेज की आवश्यकता होती है। सो सिम याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी आपको, अपोजिट होगा जस्ट लो का हाई, हाई का लो। पोटेंसी को फर्दर डिवाइड किया लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी। लो पोटेंसी ड्रग की डोजेज होती है वो हाई होती है, एंड हाई पोटेंसी जो ड्रग है उनकी जो डोजेज है वो लो होती है। सो दिस इज द पोटेंसी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग्स। व्हाट इज हाफ लाइफ? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ह्यूमन बीइंग के ब्लड स्ट्रीम के अंदर हाफ क्वांटिटी ऑफ ड्रग जब रिलीज हो जाती है, रिमूव हो जाती है, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। इट इज द टाइम टेक फॉर हाफ ऑफ ड्रग रिमूव इन ब्लड स्ट्रीम। वो टाइम जो ड्रग को ब्लड स्ट्रीम से हाफ क्वांटिटी के अंदर रिमूव होने में लगता है उसी टाइम को हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग बोलते हैं, उसी को हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग बोलते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। व्हाट इज एगोनिस्ट? एगोनिस्ट इज एक्टिव रिसेप्टर। सिंपल सा मीनिंग है, एगोनिस्ट मीन्स रिसेप्टर्स आर एक्टिव। एंटागोनिस्ट मीन्स सिंपल ब्लॉक द रिसेप्टर। जब किसी मेडिसिन के थ्रू, जब किसी मेडिसिन एंटीसाइकोटिक्स या डिफरेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के थ्रू किसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाता है, सो दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट ड्रग, जो रिसेप्टर को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। वो जो ब्लॉक कर देती है रिसेप्टर को, इसको रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स नॉन एज एंटागोनिस्ट ड्रग्स। सो अपनी यहाँ पे फाइव टर्म है वो क्लियर हो गई है, फर्स्ट एफिशिएंसी, पोटेंसी, हाफ लाइफ, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूरोट्रांसमीटर। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक केमिकल एंटिटी है जो कि बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम के थ्रू सिंथेसाइज होकर एमिनो एसिड्स के थ्रू ये बॉडी के अंदर एक इसको अपन अचीव करते हैं। सबसे पहले इट्स ए केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर है जो किसी भी इंपल्स को बॉडी के अंदर इधर से उधर ट्रेवल करने के लिए, ब्रेन से कोई भी संदेश आ रहा है, कोई जा रहा है, उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर। इसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। देन सिंथेसाइज बाय एंजाइम फ्रॉम सर्टेन डाइटरी एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड्स हैं कुछ, उन एमिनो एसिड्स के से सिंथेसाइज होकर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं फॉर्म होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल लाइक डोपामिन, सीरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन, दीज आर दी गाबा। सो दीज आर दी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक केमिकल मैसेंजर होते हैं, मैसेज को इधर से उधर पास करने में इनकी अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इनका बेसिकली काम यही होता है। देन स्टोर्ड इन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। ये जब अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं, न्यूरॉन की एनाटॉमी पढ़ते हैं, सो न्यूरॉन के अगर अपने को पार्ट्स पता है तो न्यूरॉन के अंदर बेसिकली एक दो होता है एक्सॉन, एक होता है डेंड्राइट, एक होता है सेल बॉडी। सो सेल बॉडी से ही दोनों निकले होते हैं एक्सॉन देन डेंड्राइट। तो एक्सॉन एंड काफ़ी सारी मात्रा के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर
न्यूरोट्रांसमिशन का काम होता है बेसिकली, न्यूरोट्रांसमीटर का काम, ट्रांसमिशन का काम बेसिकली एक्सॉन एंड डेंड्राइट के बीच में होता है। जो एक्सॉन है उसका एक पार्ट, जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन प्री साइनेप्टिक, और डेंड्राइट का जो लेटर पार्ट है उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक, जिसको अपन ड्रॉ करके अभी देखेंगे किस तरह से न्यूरोट्रांसमिशन होता है बिटवीन द न्यूरॉन्स। देन वी आर नेक्स्ट आर रिसेप्टर। व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर वो होते हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ पर अटैच रहते हैं, वहाँ पर अटैच रहकर किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर को अपने साथ बाइंड अप करते हैं और इंपल्स को आगे जनरेट करवाते हैं, आगे उनको भेजते हैं। तो बेसिक काम होता है ये रिसेप्टर्स का न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करना, मतलब इसको बोल सकते हैं बाइंडिंग साइट। ये एक बाइंडिंग साइट है न्यूरोट्रांसमीटर। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट पार्ट, ड्रग अफेक्ट ऑन न्यूरोट्रांसमिशन। कौन ड्रग्स का न्यूरोट्रांसमिशन के ऊपर बेसिकली क्या क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले अपन देखते हैं रिलीज, ब्लॉक, रिसेप्टर सेंसिटिविटी चेंजेज, ब्लॉक्ड रिसेप्टर, ब्लॉक्ड री अपटेक, इंटरफेरेंस विद स्टोरेज वेसिकल्स, प्रीकर्सर चेन इंटरफेरेंस। सो दीज आर द ड्रग्स अफेक्ट ऑन न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमिशन के अंदर ड्रग्स क्या क्या इफेक्ट डालती हैं, तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं रिलीज। व्हाट इज रिलीज? जो भी ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनक्रीज कर देती है, मतलब मोर, जो ड्रग्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज, फॉर एग्जांपल एक जो न्यूरॉन है उसका एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर एक पार्ट होता है वेसिकल, वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्टोर्ड रहते हैं, और वो स्टोर्ड जो न्यूरोट्रांसमीटर है इंपल्स मिलने पर, स्टिमुलेशन मिलने पर रिलीज होते हैं, तो एक वो एक नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर होते हैं, पर ड्रग्स हैं उनका जो रिलीज है कई बार बढ़ा देती है। सो दिस इज द रिलीज। ब्लॉक्ड, व्हाट इज ब्लॉक्ड? इन दिस ब्लॉक्ड न्यूरो रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड बाय द सम काइंड ऑफ इनहिबिटर। कुछ ऐसे इनहिबिटर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड अप नहीं हो पाता है, और बाइंड अप नहीं होने से आगे इंपल्स है वो जनरेट नहीं होती है। देन रिसेप्टर सेंसिटिविटी चेंजेज। व्हाट इज रिसेप्टर सेंसिटिविटी चेंजेज? मोर और लेस रेस्पॉन्सिव टू न्यूरोट्रांसमिशन। जो न्यूरोट्रांसमिशन के लिए जो रिसेप्टर सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है या घट जाती है बाय दी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स या साइकोफार्मेकोलॉजिकल ड्रग्स के थ्रू ये बढ़ जाती है, मोर और लेस हो सकती है। ब्लॉक्ड री अपटेक, नॉट री एब्जॉर्ब्ड बाय प्री साइनेप्टिक सेल, सो प्रोलॉन्ग एक्शन। अगर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्री साइनेप्टिक से रिलीज होकर सिनेप्सिस के अंदर जा रहा है, देन वहां पर जो सिनेप्सिस है वो साइनेप्टिक पर अटैच हो रहा है, और वो इंपल्स जाने के बाद में वापस जो न्यूरोट्रांसमीटर है या तो मेटाबोलाइज हो जाता है या उसका री अपटेक हो जाता है। अगर उस कुछ मेडिसिन है जो री अपटेक को बंद कर देती है, तो री अपटेक को कुछ टाइम के लिए अगर बंद कर दें, तो मेडिसिन है जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो वहीं पर
सिनेप्सिस के अंदर पड़ा रहेगा और एक्शन है उसका प्रोलॉन्ग हो जाएगा, मतलब काफी टाइम के लिए उसका एक्शन रहेगा। सो दिस इज द रिसेप्टर ब्लॉक रिसेप्टर अपटेक ब्लॉक री अपटेक। देन नेक्स्ट इंटरफेरेंस विद स्टोरेज वेसिकल रिलीज मोर और लेस। जो वेसिकल के अंदर जो स्टोर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर उनका रिलीज कम या ज़्यादा कर देना भी ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। प्रीकर्सर चेन इंटरफेरेंस जो न्यूरोट्रांसमिशन की सिंथेसिस है वो भी मोर और लेस हो सकती है। जो न्यूरोट्रांसमिशन का सिंथेसिस होता है बाय द अमीनो एसिड्स एंड एंजाइम्स वो भी इंटरफेयर हो सकता है बाय द दीज काइंड ऑफ द ड्रग्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनाटमी एंड सॉरी फिजियोलॉजिकली न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से इंपल्स जनरेट करते हैं, क्या प्री साइनेप्टिक होता है क्या पोस्ट साइनेप्टिक होता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इसके लिए अपने को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर एक्सॉन और एक्सॉन के थ्रू किस तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है। नाउ दिस इज द प्री साइनेप्टिक, दिस इज द एक्सॉन, दिस इज प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस इज प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। अब देखेंगे अपन कि ये जो प्री साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है एक्सॉन है इसके अंदर कुछ इस तरह के वेसिकल पाए जाते हैं, इस तरह की संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं वेसिकल्स। इनको क्या बोलेंगे? वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहते हैं। अब जो इन्हीं के अंदर जो स्टोर है वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड है। अब यहां से कोई इंपल्स आएगी, फॉर एग्जांपल यहां से कोई इंपल्स आई है, वो इंपल्स यहां से जनरेट होकर यहां तक पहुंचेगी प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर और यहां पर पहुंचकर जो वेसिकल है इनके अंदर जो स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है उनको ये यहां से रिलीज कर देगी और ये यहां से रिलीज होकर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो यहां पर इस जो खाली पड़ा जो स्पेस है इसके अंदर आ जाएंगे, इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जो डेंड्राइट का जो पार्ट है इस डेंड्राइट के पार्ट के ऊपर यहां पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है ये रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर पाया जाता है और ये है न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो इस क्लेफ्ट के ऊपर जो ये रिसेप्टर है इन रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं, इन रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाते हैं और इंपल्स आगे की तरफ चली जाती है, इंपल्स आगे की तरफ मूव करती है।
इंपल्स आगे की तरफ, यहां से एक इंपल्स आई थी और ये इंपल्स यहां तक चली गई बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर थे प्री साइनेप्टिक के अंदर, किसके अंदर, वेसिकल के अंदर, यहां से ये वेसिकल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर थे वो स्टिमुलेट हुए, रिलीज हुए। रिलीज होने के बाद में ये इस खाली पड़े स्पेस के अंदर आए, इसमें आने के बाद में रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए, देन जो इंपल्स यहां से लेकर यहां तक उसको कैरी कर लिया गया। दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमिशन। ये एक नॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन के बारे में अपन पढ़ा है। अब साइकोफार्मेकोलॉजी का इसके अंदर यूज करना है, क्या क्या ड्रग्स, क्या क्या यूज, क्या क्या चेंजेस कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज के अंदर देखा था, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमिशन का जो रिलीज है वो मेडिसिन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो बढ़ा सकती है या घटा सकती है, या इन रिसेप्टर को जो ड्रग्स है वो ब्लॉक कर सकती है। अगर इनको ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पर बाइंड अप न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा, तो यहाँ पर बाइंड अप नहीं होने से आगे इंपल्स नहीं जाएगी, या ये जो वेसिकल है इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा है ये इंपल्स आने के, जब इंपल्स आती है तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड अप होता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, देन इंपल्स आती है, और वापस जब इंपल्स आके चली गई तो ये न्यूरोट्रांसमीटर या तो मेटाबोलाइज हो जाता है देन, या इसका वापस रीअपटेक हो जाता है इन दी वेसिकल, ये वापस वेसिकल के अंदर चला जाता है। तो कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती है जो वापस जो रीअपटेक है न्यूरोट्रांसमीटर का उसको लेस और मोर कर देती है, लेस कर देती है। तो अगर वापस रीअपटेक नहीं होगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहीं पड़ा रहेगा, और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पड़ा रहेगा तो इसका एक्शन है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बढ़ जाएगा, मतलब काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पे जो इसका एक्शन है वो काफ़ी टाइम के लिए बढ़ जाएगा, या ऐसा हो सकता है इसको ब्लॉक ही कर दे। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ है बाई दी साइकोफार्मेकोलॉजिकल ड्रग्स हैं उनके थ्रू की जा सकती है। आज का अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।